एक चींटी अगर 16 बार चढ़ करके उतर करके वो गिर सकती है, फिर वो अपने मुकाम तक पहुंच सकती है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, जो चढ़ता है वही गिरता है, गिरेगा उठेगा गिरेगा। बहुत बड़ी बात की अंकल आपने, जो चढ़ता है वही गिरता है, वही गिरता है, वो चढ़ेगा नहीं गिरेगा, वो क्या गिरेगा। वो कहते हैं ना कि जो चलने की हिम्मत रखता है लोग उसी को रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने अपने गाँव में मीटिंग कर करके हर लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर एक विकलांग आदमी अगर इस तरीके से जिंदगी जी सकता है तो तुम्हें तो मालिक ने दो भुजा दिया है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्या बात है, एक रस्सी जो होती है कच्ची होती है वो पत्थर को काट देती है आते जाते। क्या बात, क्या बात। तो हम तो एक इंसान है, क्या नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी से हार मत मानो, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, काम करो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि तुम मेहनत करो प्रतिफल उसका परमेश्वर जरूर देगा, निश्चित। पढ़ा लिखा अच्छा आदमी, वेस्ट बंगाल से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएट है आप? हाँ। क्या बात है अंकल, और मेहनत करता हूँ सुबह 4 बजे से लेकर भोर से और 8 बजे रात तक चलता हूँ। ओहो, तो आप रिक्शा कैसे चलाते हो? सर तुम मेरी मदद करो ना, हम अपनी आत्मा से कितनी दूर हूँ आपको। आपके हाथ होने के बावजूद जो आपको दिक्कत है, आप फिर भी सारी दिक्कतों से लड़ते हुए जो हिम्मत आप दिखा रहे हैं, मतलब जब आपको बता नहीं सकता हमें कितना जज्बा मिलता है कि जिंदगी में हारना मान। कितने पैसे हो गए? 30 रुपये। चलो कितना होगा बाबा जी? 10 रुपये। अरे बाबा जी, इतनी गरीब में चला रहे हो आप फिर भी कम कर रहे हो है? कितना बन जाता है दिन का तो कोई पता नहीं, जो सब बन जाए। शराब वगैरह पीते हो? ना, बिल्कुल नहीं पीते। ये 3000 रुपये हैं। ये आपके लिए ना 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 ना, अरे लीजिए, आपकी हिम्मत देख के इस उम्र में जो आप कर रहे हैं ना, पकड़िए इसको, पकड़िए। अरे पकड़िए बाबा जी, पकड़िए, बच्चों की तरफ से है, बच्चों की तरफ से है। तो इसका क्या करोगे बाबा जी आप? अब अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या बात है, पढ़ाई लिखाई कराओ, किताबें ले दो, ठीक है बाबा जी। पापा आपने मेरे लिए बैंक में पैसे जमा करके रखे थे ना, वो पैसे पता ना, वो पैसे किसके लिए रखे हुए हैं? मामा प्लीज मुझे अपना करियर बनाने दो प्लीज मामा। क्या करियर वरियर? ना 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 ना, आपने उसके लिए पैसे रखे हुए हैं? रखिए बेटा। किस चीज में रखे आपने? उसकी शादी भी तो करनी है, डॉक्टर बनना चाहती है, और आप वो पैसे उसकी शादी पे लगा रहे हैं। एक रात आएगी, लोग खाना खा के चले जाएंगे, अगले दिन याद नहीं रहेगा किस किसने खाना खाया था। उस पे पैसा आप लगाना पसंद करेंगे कि अपनी बेटी पे पैसा लगाना पसंद करेंगे जिससे उसका भविष्य बने? और शादी के बाद क्या गारंटी है? आप गारंटी दे सकते हैं कि वो हमेशा खुश रहेगी? बट हाँ, इस बात की गारंटी है, अगर जिंदगी में कुछ बन गई अपने दम पर तो कभी असफल नहीं रहेगी। एक पीस दिख जाए ना, उसके बाद मैं तुझे बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। अरे भाई साहब क्या हो गया? ये कुछ भी नहीं है, अभी तो और आएगा, आप खाइए, खाइए, चलते हैं। कहाँ चलते हैं? नीचे। अरे नहीं नहीं सर, खाना तो पैक करा ले। चलिए आइए, वो सब अपने आप फेंक देंगे। आपको इस खाने की वैल्यू पता है सर? ऐसे बचे हुए खाने की क्या वैल्यू होगी। पापा पापा 2 घंटे हो गए हैं, पेट में दर्द हो रहा है, अब तो खिला दो। देखा भाई साहब, खाने की वैल्यू मान गया सर।